हेलो एवरीवन, दिस इज वहीद फ्रॉम टाटेको। तो एलिमेंटर थीम बिल्डर की हेल्प से हमने अपनी वेबसाइट का हेडर भी बनाया, फुटर भी बनाया। तो चलें आज उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं उससे आगे क्या ऑप्शन है और उससे क्या होता है। थीम बिल्डर में जाते हैं और उससे नीचे है सिंगल पोस्ट। तो सिंगल पोस्ट की डिजाइनिंग से पहले हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। ये रहा एरर 404। तो एरर 404 का मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है। एरर 404 वो पेज होता है, मतलब कि जब कोई हमारी वेबसाइट पे कुछ ऐसा लिंक ओपन करता है या कोई ऐसे यूआरएल पे जाता है जो कि हमारी वेबसाइट पे है ही नहीं या फिर डिलीट हो चुका है, तो उसको शो होता है पेज नॉट फाउंड। तो पेज नॉट फाउंड वाला जो पेज होता है उसको कहते हैं एरर 404। उसकी डिजाइनिंग हम यहां से कर सकते हैं। तो ये जरा ओपन हो जाए, इधर से हम बड़ी बड़ी टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। जैसे कि ये इन्होंने दिखा दिए हैं 404 के लिए, ये इनके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। अगर आप यूज करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इधर पहले एक हेडिंग लेता हूँ और इस पे मैं लिख देता हूँ पेज नॉट फाउंड, बल्कि इस पे लिखता हूँ एरर 404। ये अपडेट नहीं हो रहा। अपडेट क्यों नहीं हो रहा? हाँ हो गया, ये थोड़ा नेट स्लो था इसलिए, आजकल नेट बहुत स्लो चल रहा है। तो ये मैं लिख दिया एरर 404। ये मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ, जैसे मर्जी आप करना चाहें वो करें, आप सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ कैसे आप खुद भी बना सकते हैं बनाना चाहें तो। तो इसको जो कलर है वो मैंने ये दे दिया और इसकी ये जो है इसको मैं सेकेंडरी कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा लूं इसका, ठीक है, ये मैंने इसका साइज रख दिया एरर 404। और इसके नीचे मैं लिखता हूं पेज नॉट फाउंड, इस तरह का। मैं मतलब कि जो भी आप बनाना चाहें वो आप बनाएं। एरर 404 पेज नॉट फाउंड, बल्कि इसको मैं बनाता हूँ H6, ठीक है, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। इसका कलर मैं यही प्राइमरी, ठीक है इसका। और ये रखते हैं इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर लेंगे करना चाहें तो, लेकिन फिलहाल चलो ठीक है। तो इतना ठीक है मेरे ख्याल से, पेज नॉट फाउंड। तो उसके नीचे मैं एक बटन भी लगा देता हूं, मर्जी आप जो मर्जी लगाना चाहें। तो ये बटन लग गया, ठीक है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूं गो टू होम पेज। तो इधर से पे क्लिक करने से वो हमारे होम पेज पे पहुंचेगा। इसको मैं होम पेज का लिंक दे देता हूँ। तो हमारे होम पेज का लिंक है ये वाला, इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ, इधर लिंक में आके पेस्ट कर देता हूँ। और इसको मैं अगर पब्लिश करूँ तो फिर कैसा लगेगा मैं देखता हूँ, इस तरह का लगेगा। इसके लिए थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ। तो स्पेस बनाने के लिए हम पैडिंग या मार्जिन यूज करेंगे। तो मैं मार्जिन यूज करता हूँ बटन के नीचे 150 पिक्सल का। तो इस तरह अभी ये ठीक लग रहा है। तो ये जो है एरर 404, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा मार्जिन ले लूँ ताकि ऊपर भी स्पेस बन जाए। तो 150 पिक्सल का मैंने ऊपर भी ले लिया, अभी ये थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से। और बस कलर इसका चेंज कर लूँ मैं, जो बटन है इसका
कलर, ये है कलर इसका, इसका मैं रखता हूँ, ये तो टेक्स्ट कलर हो गया, सॉरी टेक्स्ट कलर तो वाइट ही ठीक है। और जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ये रखता हूँ, और जो हमारा बॉर्डर कलर है नन मैंने कर दिया, तो अभी ठीक लग रहा है ये थोड़ा बहुत। तो अभी मैं इसको पब्लिश करता हूँ, और ये देखें अभी ये एंटायर साइट नहीं आया, क्योंकि ये एंटायर साइट पे नहीं करना हमने, ये तो हमने सिर्फ 404 पे लगाना है, मतलब जब कोई हमारी वेबसाइट पे कुछ उस लिंक को ओपन करे जो कि हमारी वेबसाइट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तब शो हो, इसलिए ये 404 पे आ रहा है खुद ही। इसको मैंने सेव एंड क्लोज करना है, तो देखें अभी ये लग गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्लैश लगाया, और मैं दोबारा से कुछ ऐसा लिंक मैंने ओपन किया जो मैं वेबसाइट पे है ही नहीं, देखें ये आ गया ठीक है। तो इस तरह हमने ये लगाया, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।